लास्ट टाइम हमने कवर विद स्टेम्स यहां तक हमने देखा था, ठीक है, कवर विद स्टेम्स, ओके। और इसमें क्या था, दिस स्टेम्स हैज एन एरिया फॉर स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि ये एरिया है ना वो कितना है, अंदर का एरिया है वो फॉर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, फॉर स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि इसके अंदर छोटे छोटे फॉर स्क्वायर आते हैं, जैसे कि फॉर स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि मैं ऐसा कहूंगा कि ऐसे फॉर स्क्वायर आते हैं उसके अंदर 1 1 सेंटीमीटर, तो ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ओके। यानी कि उसकी जो लेंथ है ना वो टोटल 2 सेंट जो जो उसकी एक साइड की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर है, ओके। यानी कि हमको स्क्वायर का एरिया पता है क्या, ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है, या साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, उसे हम ये भी कहते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, ठीक है, 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। ये था उसका एरिया, यानी कि एक स्टेम का एरिया ही है, ठीक है, ये 1 स्टेम का एरिया कितना है, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। गेस हाउ मेनी सच स्टेम्स विल कवर दिस बिग रेक्टेंगल, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो टोटल लेंथ है, यानी कि ये जो लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी यहाँ तक, ये कितनी लेंथ है वो, ठीक है, ये इतनी लेंथ, एंड उसकी ब्रेथ हमें फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है, ब्रेथ यानी कि यहाँ से लेके नीचे तक, ठीक है, वो ब्रेथ हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो उसका आंसर कुछ इस तरह से होगा, देखो, तो कितने स्टैम्प आएंगे वो क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, कितने स्टैम्प आएंगे, हाउ मेनी सच स्टैम्प विद कवर बिग रेक्टेंगल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अगर हम वैसे ही स्टैम्प लगाते रहेंगे तो कितने स्टैम्प आएंगे, देखो आप कैलकुलेट करो यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, देखो कितने आएंगे, तो ये यहाँ से हम कैलकुलेट करके, तो वन, ये 1 2 3 4, 4 क्या है, रो है, ठीक है, और एक रो में कितना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, 7 है, ओके, यानी कि उतने स्टेप आएंगे, ठीक है। देखो, मेजर द येलो रेक्टेंगल, इट इज ब्लैंक सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। देखो आप रेक्टेंगल को स्केल से मेजर करोगे ना तो वो 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली जो जो ब्लैंक है ना उसमें आपको क्या लिख देना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या लिखना है, 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। चेक योर गेस, ये वाला पेज आप निकाल दो अपनी टेक्स्ट बुक में, ठीक है, चेक योर गेस, ये वाला पेज आप निकाल दो। मेजर येलो रेक्टेंगल, यानी कि येलो यानी कि जो बाहर है ना रेक्टेंगल, वही आपको क्या करना है, मेजर करना है, और फिर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। ये जो बड़ा वाला है ना, ये येलो रेक्टेंगल आपको मेजर करना है, ओके। फिर देखो सेकंड ब्लैंक है उसका आंसर भी देखो, हाउ मेनी स्टेप कैन बी प्लेस्ड अलोंग द लाइन, ठीक है, लेंथ यानी कि ये लेंथ में कितने आएंगे, एक यानी कि ये टोटल कितने आएंगे, ये यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 स्टेप्स आएंगे, ओके। जो सेकंड वाले जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या रहेगा, 7 स्टेप, ओके। थर्ड वाला क्वेश्चन है, हाउ वाइड इज द रेक्टेंगल इन सेंटीमीटर, वाइड यानी कि उसकी ब्रेथ कितनी है, तो वो भी आप स्केल से मेजर कर सकते हो, वो भी आप स्केल से मेजर कर सकते हो, और स्टैम्प स्टैम्प यहाँ पे 4 आया, यानी कि वो भी हमको पता चल जाता है, ठीक है, कि वो कितना वाइड है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो हमें क्या करना है, वाइड यानी कि उसकी ब्रेथ फाइंड करनी है, यानी कि ये कितनी ब्रेथ है वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है, तो वो भी हमें पता है कि वो उसका आंसर क्या है। देखो यहाँ पे कितने स्टैम्प फिट हो रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, तो अभी एक की ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर, दैट मींस वो कितने होगा, 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। फिर देखो, हाउ मेनी स्टैम्प्स कैन बी प्लेस्ड अलोंग द विड्थ, ठीक है, अलोंग द विड्थ, तो उसका आंसर क्या आएगा, देखो 4 स्टैम्प कितने आएंगे, 4 स्टैम्प आएंगे, ठीक है, क्योंकि कितने स्टैम्प, क्योंकि उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर, दैट मींस कितने स्टैम्प वहां पे आएंगे, तो वो वहां पे 4 स्टैम्प आएंगे, ठीक है। और उसके बाद में ई वाला, हाउ मेनी स्टेम्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल, तो 7 7 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 28, 7 उसकी लेंथ थी और ब्रेथ में कितने आ रहे थे, 4 आ रहे हैं, यानी 7 फॉर द 28 स्टेम वहां पे आएंगे, ठीक है।
और इसके बाद में नेक्स्ट, हाउ क्लोज वॉज योर अर्लियर गेस डिस्कस, ठीक है, आपने जो केस गेस किया था वो कितना मीन्स उसमें कोई डिफरेंस था, तो हम गेस कर सकते थे क्योंकि उसका लेंथ ब्रेजर, तो उसका आंसर क्या आएगा, इट वॉज प्रीटी क्लोज, वो हमारे गेस बहुत नजदीक था आंसर के, ठीक है। फिर व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ब्लैंक स्क्वायर सेंटीमीटर सॉल्यूशन, ठीक है, एरिया ऑफ क्या होगा, 28 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 28 स्क्वायर सेंटीमीटर, देखो स्क्वायर सेंटीमीटर पूरा लिखना है, ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है, या सेंटीमीटर स्क्वायर आप भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और स्क्वायर सेंटीमीटर भी हम लिख सकते हैं, ओके। फिर एच वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ब्लैंक सेंटीमीटर, पेरीमीटर हमको पता है, पेरीमीटर इज कंसर्न विद द बाउंड्री, ठीक है, तो उसकी लेंथ कितनी थी 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी थी 8 सेंटीमीटर, अभी इसका इक्वेशन हमें पता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमको पता है, ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी, ठीक है, एल प्लस बी, ओके। अभी 2 मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे, लेंथ कितनी थी उसकी 14 सेंटीमीटर, कितनी थी 14, प्लस ब्रेथ कितनी थी 8 सेंटीमीटर, 14 प्लस 8 कितना हुआ, यानी कितना होगा 22 होगा ना, एंड 22 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि उसका पेरीमीटर कितना होगा 44 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 44 सेंटीमीटर होगा, ओके। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये प्रैक्टिस टाइम वाला क्वेश्चन, अरबाज प्लान टू टाइल किचन फ्लोर, ठीक है, उसको क्या करना था, देखो ये सारी ब्लैंक आपने अपने टेक्स्ट बुक में लिख दी है, ए बी सी डी जी ई एफ जी वाली पूरी, एलियन वन सी कैन यू हियर मी, यस सर, और हेली आपने लिखी, हेली क्या आपने ब्लैंक लिखी है कि नहीं लिखी है, वांसी आपने लिख दी ना, यस, ओके। उसके बाद में देखो ये प्रैक्टिस टाइम वाला क्वेश्चन है, अरबाज प्लान्स टू टाइल किचन फ्लोर, ठीक है, उसको क्या करना था, ये जो फ्लोर होता है ना हमारा उसमें उसको टाइल लगानी थी, ठीक है, अरबाज प्लान्स टू टाइल हिज किचन फ्लोर विथ ग्रीन स्क्वायर टाइल्स, और उसमें उसको क्या पुट करना था, ग्रीन स्क्वायर टाइल्स उसमें वहां पे उसको पुट करना था, ठीक है, क्या ग्रीन स्क्वायर टाइल, इट साइड ऑफ टाइल इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, उसकी जो साइड थी ना वो क्या थी 10 सेंटीमीटर, अभी स्क्वायर है दैट मीन्स सारी साइड उसकी क्या होगी 10 ही होगी, एक साइड 10 है दैट मीन्स सारी साइड भी क्या होगी उसकी 10 ही होगी, क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड सेम होगी, ओके। This kitchen is 220 centimeter length and 180 centimeter wide. ठीक है? वो उसकी length and breadth हमें दी। तो how many tiles will be needed? ठीक है? देखो ये अच्छा सा question है और ये मैं exam में 100% पूछने वाला हूँ, वो याद रखो। ठीक है? ऐसा question मैं exam में पूछूंगा। ठीक है? तो देख लो इसे समझ लो पहले। देखो ये क्या था, बस वांट्स टू प्लान इज किचन फ्लोर विद ग्रीन स्क्वायर टाइल्स, स्टाइल कैसी थी, स्क्वायर थी, उसकी साइड की वैल्यू हमें दी है, हिज किचन इज 28 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 280 सेंटीमीटर वाइड, तो उसमें कितनी टाइल आएगी वो हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, देखो गिवन लेंथ ऑफ किचन इज 220 सेंटीमीटर, विड्थ कितना होगा 180 सेंटीमीटर, इस साइड की क्या है 10 सेंटीमीटर, ये तीन डेटा है हमारे पास और इसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी देख लो, देखो एरिया ऑफ फ्लोर यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल फ्लोर है दैट मींस उसका एरिया का क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, ओके, यानी कि देखो इसमें हम क्या करेंगे, उसकी लेंथ कितनी थी 220, ब्रेथ कितनी थी 180, ठीक है, तो उसका एरिया कितना होगा, इतना एरिया होगा, ओके, इतना जो एरिया होगा किसका, फ्लोर का, उसके किचन के फ्लोर का एरिया इतना होगा, ठीक है, अभी एरिया ऑफ टाइल कितना है, हमको पता है स्क्वायर टाइल है, दैट मीन स्क्वायर का एरिया क्या होता है
हंड्रेड टेन मल्टीप्लाई बाई टेन यानी कि साइड मल्टीप्लाई बाई साइड ही होगा, यानी कि 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है नबी, एक टाइल इतना एरिया ऑक्यूपाई करती है, कितना? 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है अभी फ्लोर, ये पूरा फ्लोर है ना, उसका एरिया हमें बताए कितना है, उसका एरिया मिला हमें 3960, यानी कि ये पूरा फ्लोर का एरिया इतना है। ठीक है ये पूरा फ्लोर का एरिया इतना है 3960, और एक टाइल का एरिया कितना है, ये टाइल का एरिया कितना है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो अभी जो सोच रहे हैं, अभी सोच रहे हैं तो नंबर ऑफ टाइल कितनी हमें यहाँ पे चाहिए, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया फ्लोर यानी कि 3960, ठीक है 3960 एंड एरिया ऑफ टाइल यानी कि बाय 100, उसको आप डिवीजन कर दोगे। अभी देखो ये जीरो और ये जीरो कट हो जाएगा, यानी कि कितनी टाइल्स की हमें जरूरत होगी, 396 टाइल की हमें जरूरत होगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट वंस एंड हेली? टेल मी यस और नो। यस हेली, कैन यू हियर मी? अरे मुझे आंसर दो वरना मैं तुझे डीएक्टिवेट कर दूंगा अभी। यस हाँ तो बोलो ना, तो फिर तो एक काम करो, आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो, ए वाले क्वेश्चन का आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ले लिया दोनों ने? ले लिया वांछी ने ली दोनों ने? यस सर। ओके और ये नीचे वाला जो पोर्शन था उसका भी ले लो, इसका भी ले लो, वन मिनट ले लो। ले लिया? यस। ओके फिर देखो बी वाला क्वेश्चन, बी वाला क्वेश्चन क्या है, द फेंसिंग ऑफ स्क्वायर गार्डन। ठीक है स्क्वायर गार्डन है, ठीक है उसको हमें फेंसिंग करना है, यानी कि उसको कॉर्डन करना है। देखो ये स्क्वायर गार्डन है और उसके उसके सर ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट नहीं लेना है? किसका बेटा? ऊपर सारा आंसर है वो एबीसीडी, वो आपने फिल नहीं किया है टेक्स्ट बुक के अंदर? नहीं। ओके तो मैं स्क्रीन ऊपर ले रहा हूँ, आप क्या करो अभी उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके देखो आप शायद कहीं पे गई थी, मैंने वांसी से पूछा और वांसी ने ऐसा बोला कि नहीं सर हमने ले लिया है, ठीक है इसलिए मैं नीचे आ गया। देखो अभी तुम फिर से ले लो, क्योंकि ये चैप्टर में एग्जाम में 100% पूछूंगा ही नहीं, ठीक है पूछने वाला हूँ। ले लो आप इसका ए बी सी, वन मिनट ए बी सी डी का ले लो अभी आप। ले लिया है ली? यस। ओके फिर इसका भी ले लो। इसका भी ले लो। ले ली। ले लिया? अपनी स्क्रीन में नीचे करता हूँ। वहां से अगर आपने नहीं लिया ना तो आप फिर से ले लो। ओके अभी इसका भी ले लो। ले लिया? ले लिया। ओके देखो अभी जो प्रैक्टिस टाइम वाले जो क्वेश्चन है ना, ये वाले जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें से 2-3 क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएंगे। ये फाइनल एग्जाम जो आ रही है ना, उसमें 2-3 क्वेश्चन में 100% पूछूंगा, ठीक है इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। ठीक है ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो हमने देख लिया, देखो फिर सेकंड वाला बी वाला क्वेश्चन, the fencing of a square garden, ठीक है हमें क्या करना है, fencing of a square garden is 20 centimeter length, how long it is one side of the garden, ठीक है देखो ये क्या है fencing, यानी कि जो हम fence करते हैं ना, ठीक है यानी कि दो जो हमारे खेत होते हैं और दो खेत के बीच में भी हम fencing कर देते हैं कई बार, ये जो animals है like a pig और वो सब आ जाते हैं इसलिए भी हम क्या करते हैं fencing कर देते हैं घर के अराउंड भी, कई बार गार्डन के अराउंड भी करते हैं, उसे फेंसिंग कहते हैं। ठीक है तो फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर लॉन्ग, कितना लॉन्ग है 20 मीटर लॉन्ग है, यानी कि अगर ये बोलूं ना मैं ये क्या है 20 मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर क्या है लॉन्ग है, और वो गार्डन भी कैसा है स्क्वायर गार्डन है, कैसा है स्क्वायर गार्डन, हाउ लॉन्ग
how long in the one side of the garden. ठीक है, देखो इसमें the perimeter यानी कि long यानी कि देखो ये पूरा जो फेंसिंग का एरिया है ना, देखो ये स्क्वायर गार्डन है और उसके अकॉर्डिंग यानी उसके चारों तरफ उसने जो फेंसिंग लगा है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, वो लॉन्ग है, ठीक है, 20 मीटर इन लेंथ, ठीक है, यानी कि इतना वो लेंथ में है, यानी कि इसको चारों तरफ जैसे वो कांटे वाली तार होती है ना वो लगा दिए, ठीक है, स्क्वायर गार्डन में है. तो क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग वन साइड, यानी कि वन साइड में वो कितना होगा. अभी स्क्वायर गार्डन में तो सारे साइड इक्वल ही हो गए, ठीक है, पर हमको टोटल लेंथ कितनी दी है हमें यहाँ पे 20 मीटर लॉन्ग दी है, ठीक है. तो गिवन पैरीमीटर यानी कि बाउंड्री क्या होती है, व्हाट डू मीन बाय पैरीमीटर, पैरीमीटर मीन्स क्या होता है, इट्स अ बाउंड्री, ठीक है. तो यहाँ पे पैरीमीटर कितना दिया है, 20 मीटर दिया है, ठीक है, तो उसका वन साइड फाइंड करना है, दैट मीन्स क्या होगा, पैरीमीटर डिवाइड बाय 4, क्योंकि स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, यानी कि 20/5, यानी कि 5 मीटर उसकी एक साइड की वैल्यू आ जाएगी. गरिमा पॉइंट वांसी हेलियन जय जय, एक साइड की वैल्यू कितनी होगी, 5 मीटर. टोटल चारों साइड की कितनी थी, 20 मीटर, और एक साइड की वैल्यू हमें कितनी मिली, 5. देखो ये भी 5, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, और ये भी क्या होगी, 5 होगी. देखिए 5 × 20 हो गया, 4 मीटर का 20, यानी कि चारों के चारों साइड का 20 हो गया. गेटिंग माय पॉइंट? यस. टेल मी हेली जयदेव. फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ थिन वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, एक जो वायर था वो 20 सेंटीमीटर क्या था, लॉन्ग था, इज फॉर्म इनटू रेक्टेंगल, और उसमें से वो क्या है कि रेक्टेंगल बनाते हैं. देखो एक वायर था इतना बड़ा, ठीक है, और वो उसकी लेंथ कितनी थी, 20. सर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, बी का पिन अभी इसके पहले ले लिया ना बेटा, देखो 1 मिनट, बी का स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया हो तो फिर से ले लो. चलो मैं स्क्रीन नीचे करता हूँ. सर सीखा नहीं लिया मैंने. ले लो, ले लिया सभी ने? यस. हेली जयदेव वंशी. यस. ओके. यस सर. तो फिर क्वेश्चन नंबर सी क्या है, अ थिन वायर इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, एक जो वायर था वो कितना था, 20 सेंटीमीटर क्या था, लॉन्ग था. फिर उसको क्या करता है, उसमें से हमें रेक्टेंगल बनाना है, यानी कि ये यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड किया, और हमें बना दिया रेक्टेंगल, यानी कि उसकी चारों साइड का जो एडिशन करके हम इसका एडिशन, यानी कि साइड का एडिशन करेंगे, यानी कि ये उसका पेरीमीटर क्या हुआ, 20 मीटर हुआ, ठीक है. तो क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो क्वेश्चन है, If the width of this rectangle is 4 centimeter, अगर width उसकी 4 centimeter है, तो उसका जो length कितनी होगी, वो हमको question यहाँ पे दिया है. अभी देखो यहाँ पे हमको perimeter उसका पता चल गया कि उसका perimeter क्या था, 20, यानी कि उसका चारों side का addition क्या था, 20 centimeter, ठीक है. तो उसकी width यहाँ पे हमको दिए 4 centimeter, यानी कि width उसकी क्या है, 4 centimeter, okay? तो उसकी length हमें find करनी है, ठीक है. देखो ये भी 4 होगी width, ठीक है, तो ये भी 4 ही होगी, ठीक है, क्योंकि वो उसके ऑपोजिट साइड क्या होती है, सेम होती है. अभी देखो 4 + 4 कितना हुआ, 18 हो गया, 18 हो गया, सॉरी 8 हो गया ना, तो अभी बचेगा कितना, 12 बचेगा, तो यानी कि ये साइड भी 6 होगी और ये साइड भी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है. पर कैसे इक्वेशन से कैसे फाइंड करना है वो भी देख लो. अभी देखो यहाँ पे क्या दिया, गिवन पेरीमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल कितना है, 4 सेंटीमीटर. We know that the perimeter of the rectangle is equal to k 2 multiplied by l plus b, ठीक है, यानी कि length क्या होगी, देखो यहाँ पे कितनी होगी, 20 minus 2, यानी कि 2 length is equal to क्या होगा, यानी कि length is equal to 12/2, यानी कि क्या हो जाएगा, 6 centimeter उसकी हो जाएगी. देखो इसमें उसने इस तरह से बताया, और हमको पता है कि जो perimeter of rectangle कितना है, कितना हमको पता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी है, क्या है, एल प्लस बी है, ओके. अभी एल पेरीमीटर हमको पता है कितना है, 20, ओके,
टू मल्टीप्लाई बाय एल, हमें क्या करना है फाइंड करना है, ओके एल क्या करना है फाइंड करना है। बी हमको दिया है कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ओके। तो फिर क्या करेंगे हम, ये 20 इज इक्वल टू क्या होगा, 20 इज इक्वल टू ये 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 2L, फिर 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8, क्या होगा 8, ओके 4 2s 8। अभी देखो L हमें फाइंड करना है, L हमें फाइंड करना है, इनकी 2L इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2L इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये टर्म को मैं इस साइड पे लाऊंगा तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 20 माइनस 8 हो जाएगा, 20 माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 2L इज इक्वल टू क्या होगा, 2L इज इक्वल टू होगा 12, L इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में चला जाएगा, यानी कि 12 बाय 2 हो जाएगा, यानी कि L इज इक्वल टू क्या होगा, L इज इक्वल टू होगा 6 सेंटीमीटर, क्या होगा 6 सेंटीमीटर। गेटिंग माय पॉइंट, टेल मी यस और नो। यस यस। उसके बाद में देखो ओके डी वाला क्वेश्चन देखो, अभी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया, सी वाले का पूरा ले लो। चलो सर क्वेश्चन का नहीं लिया, क्वेश्चन का नहीं लिया, वन मिनट, ये सी का क्वेश्चन मैं उसे नीचे करते हुए तो शायद पूरा पूरा आ ही जाए, ओके ले लो पूरा पूरा आ जाए, ले लिया? Yes. Okay. अभी देखो डी वाला क्वेश्चन, अ स्क्वायर कैरम बॉल हैज अ पेरिमीटर 320 सेंटीमीटर, हाउ मच इट्स एरिया। ठीक है, देखो ये कैरम बॉल है, स्क्वायर है, ठीक है, उसका हमें क्या दिया है पेरिमीटर दिया है 320 मीटर, ठीक है, ये कैरम बॉल है यानी कि उसकी चारों साइड के एडिशन हमें क्या दिया है 320 मीटर दिया है, ओके पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर यानी कि उसकी चारों साइड का क्या दिया है एडिशन हमें दिया, और वो भी क्या है स्क्वायर है, कैसा है स्क्वायर, यानी कि उसकी एक साइड की वैल्यू क्या कितनी होगी, यानी कि उसको डिवाइड बाय में 4 कर देंगे, यानी कि उसकी सारी चारों साइड की वैल्यू 320 है तो उसकी एक साइड की क्या होगी, तो ये हमें डिविजन करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसकी देखो 4 8 32 और ये 0 का 0, यानी कि आप डिवीजन कर देना तो उसकी एक साइड की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कितनी मिलेगी 80 सेंटीमीटर मिल जाएगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, वी नो दैट द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, हमें एरिया फाइंड करना है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड है, ठीक है, क्या है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि 80 मल्टीप्लाई बाय 80 यानी कि 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, देखो क्वेश्चन तो आपकी टेक्स्ट बुक में है ही, ठीक है, आप ये आंसर का ले लो अभी। ले लिया ओके। फिर उसके बाद में ई वाला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टाइज लाइक द ट्राइंगल, देखो हाउ मेनी टाइज लाइक द ट्राइंगल गिवन हियर विल फिट इन द वाइट्स डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू ब्लैंक स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, हाउ मेनी टाइज लाइक द ट्राइंगल, ठीक है, लाइक द ट्राइंगल, क्वेश्चन को समझो पहले, हाउ मेनी टाइज लाइक द ट्राइंगल गिवन हियर, यहाँ पे कितनी दी है, ठीक है, विल फिट द वाइट डिजाइन, ठीक है, विल फिट द वाइट डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू ब्लैंक स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे आपको दिया है तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, देखो सिक्स टाइल्स विल फिट इनटू गिवन वाइट डिजाइन, ठीक है, सिक्स टाइल कितनी होगी, सिक्स होगी, ठीक है, कितनी होगी, सिक्स होगी, 1 2 3 4 5, देखो यहाँ पे भी देखे ना तो ये भी 2 हो जाती है, ठीक है, देखो ये 1 2 3 4 हो गई, ये भी एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है, यानी कि कितनी हो गई 6 हो गई, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 ट्राइंगुलर टाइल्स विल फिट इनटू द गिवन बाय डिजाइन, नाउ द एरिया ऑफ वन सच जो ट्राइंगुलर टाइल वो कितना है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ 6 ट्राइंगुलर टाइल विल बी क्या होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 6 / 12 यानी कि 6 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है।
गेटिंग माय पॉइंट? आप आपको पता चला, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं. ओके सर, वो स्क्रीनशॉट लेना है ना सर, आगे करो तो. हाँ, इसका लेना स्क्रीनशॉट. नहीं सर, उसके पहले वाला. इसके आगे वाला, ये वाला क्या रिकॉर्ड वाला? इसका ले गया सभी ने स्क्रीनशॉट. ये कैरम बोर्ड. यस सर, क्वेश्चन करो तो. क्वेश्चन तो बेटा टेक्स्ट बुक में दिया ही है. ये लो क्वेश्चन. हो गया, हो गया. ठीक है, अभी ये एफ वाला क्वेश्चन हम अभी हम कल सॉल्व करेंगे. ठीक है, एफ वाला क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे. ओके, पर आज हम यही भी स्टॉप कर देते हैं. पर आपको आपका होमवर्क तो पता ही होगा, जो भी आपने स्क्रीनशॉट जो लिया है उसको अपनी नोटबुक में लिख के ग्रुप में व्हाट्सएप कर देना है, तभी मैं आपकी अटेंडेंस फिल करूंगा. ओके, बाय, हैव अ गुड डे.